हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इसके पहले आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। मैं इसको पहले साइड कर लेता हूँ, जो भी बात करना है। ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ। सॉरी, यही काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंदौर एंड विष्णु वर्किंग पार्टनरशिप रजिस्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवलर्स एलटीडी कब हुआ, मतलब इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, यहाँ हुआ मई 31, 2011 में। ठीक है, बट हमें पार्टनरशिप एग्री टू टूक ओवर पार्टनरशिप हम 1 जनवरी 2011 हो गया, कितना 3 लाख से ये संभव 3 लाख, एंड ऑनटिल अमाउंट डिस्चार्ज वुड पे द इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द अमाउंट ऑफ पेड 30 जून, अमाउंट को पेड हुआ 30 जून में, पेड हुआ 2011 में। तो डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन, द कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर, कंपनी इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, और प्रीमियम 1 ईच, प्रीमियम मतलब 1 ईच में मतलब क्या, 10 मतलब 10 20 हज़ार शेयर से मतलब हर एक का एक एक ईच में प्रीच किया, मतलब 10 प्लस 11 हो गया, समझ गए। एंड अलोटेड 70% ऑफ डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1,50,000 वेंडर एट पार। ठीक, अभी चलते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पढ़िए आराम से। परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंटोरी 1,40,000, फ्रीट फ्रेट एंड कैरेज 5,000, ग्रॉस प्रॉफिट कैरे डाउन 60,000 बाई सेल 1 जनवरी 31 मई 2011 16,000, 1 जून टू 2000 सॉरी 1 जून टू 31 दिसंबर 2011 1,20,000, बाई इन्वेंटोरी इन दैंड 25,000, सैलरी एंड वेजेस 10,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 5,250, टू डेप्रिसिएशन 1,000, इंटरेस्ट ऑन परचेज इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 36,2011। ठीक है, मतलब जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई, ठीक है, 6 सॉरी 5 जून, यह 30 जून 2011 9,000, टू सेलिंग कमीशन 9,000, टू डायरेक्टर फीस 600, दी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 900, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस 600। ये इसमें सारा तुम आराम से आप पढ़ सकते हो, मैं दोबारा पढ़ के भी कोई बड़ी बात बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। चलिए अभी सॉल्यूशन में जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अभी सर मैं इतने स्क्रॉल करके नहीं रखा हूँ, अभी जल्दी से पहुँच जाएंगे जाके, अभी पहुँच गए। फेलो ट्रैवलर्स एलटीडी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये सबको आपको लिखना है कंपलसरी, पास होना चाहते तो नहीं तो ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड पर्टिकुलर रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पहले तो तुम जानते हो पहले रेशियो निकालना पड़ता है, चलिए पहले रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो प्री इंक्रप्शन पीरियड 1 जनवरी गिवेन 1 जनवरी 2011 टू 31 मई 2011, कितना महीना हुआ, 5 महीना हुआ। पोस्ट इंक्रप्शन पीरियड ये टाइम का निकाला जा रहा है, 1 जून टू 31 दिसंबर 2011 ये 7 मंथ है, कितना रेशियो हुआ, 5:7। आया समझे, टाइम रेशियो क्या है, 5:7, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सेल रेशियो में। सेल रेशियो इन द प्री इंक्रोबेशन पीरियड 1 जनवरी 2011 टू 31 मई 2011 60,000। सेल्स इन पोस्ट इंक्रोबेशन, सेल्स इन पोस्ट इंक्रोबेशन पीरियड 1 जून 2011 टू 31 दिसंबर 2011, ये लिखा जाता नहीं है आराम से, इसमें सेल में ये सिर्फ में टाइम के हिसाब से लिख दिया था, बट एक्चुअली ये काम का बात नहीं है, सिर्फ यहाँ में 60,000 की बहन है, यहाँ में 30,000, वो तो नहीं आ रहा है, थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ निकालने में। ठीक है, सेल का रेशियो देखो, सेल का रेशियो पहले क्वेश्चन में दे चुका है, पहले क्वेश्चन में देख लो, 5 बाई सेल 1 जनवरी 31 मई 2011 60,000 गिवेन है, 1 जून टू 31 दिसंबर 2011 1,20,000 गिवेन है। ठीक है,
अभी चलते हैं, ये तो सेल रेशियो निकल गया 1:1:2 टाइम रेशियो 6:5.7। अभी चलते हैं मेन काम, देखिए मेन काम क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जानते हो कैसे निकलता है, सेल में 1:2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 60,000। तुमको ये दिखना पड़ेगा 60,000, खुद दिखना। सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है देखो, तुम खुद देखो भाई। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 दिया है, 60,000 का 1:2 निकालो, 60,000 × 1/3 20,000 हो गया प्री, 40,000 हो गया पोस्ट, आया। चलो उसके बाद चलते हैं लेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलोटेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन दी टाइम बेसिस, ठीक है। टाइम बेसिस हम जाते हैं सैलरी एंड सेल, सैलरी एंड ओजेस, सैलरी एंड ओजेस एंड डिप्रिसिएशन, सैलरी एंड ओजेस 10,000, डिप्रिसिएशन 1,000, हो गया 11,000। 11,000 का हम ये क्यों लिए, टाइम बेसिस में जाता है इसलिए ऊपर लिखे, टाइम बेसिस में कैलकुलेट होगा। चलिए 5:7, 11,000 का 5:7 लिखो, 11,000 × 5/12 डिवाइड 4583 हो गया, 4583 हो गया प्री, वो प्री उसके बाद 6417 हो गया पोस्ट हो गया। उसके बाद जाते हैं सेलिंग कमीशन ऑन दी सेल, केमिल कमीशन ऑन दी सेल, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे सेल बेसिस में 1:2 सेलिंग कमीशन, आराम से जाके देख सकते। सेलिंग कमीशन 9,000 है, यहाँ में 3,000 आ गया, यहाँ में 6,000 आ गया। तब इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 30 जून, अप टू जून 30 जून 2011, ये क्या 5:1 में कैलकुलेट हुआ। ये जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 30 जून 2011, ये 5:1 कैसे हुआ, अभी चीज देखते हैं उसको, ठीक है। चलो पहले नीचे देख लेते हैं, यह क्या लिखा है, प्री इंक्रबेशन, यह क्या लिखा है, प्री इंक्रबेशन पीरियड 1 जनवरी 2011 टू 31 मई 2011, यहाँ में कितना मंथ है, 5 मंथ, ठीक है। वो हमारा देखो काम यह है, इसी वजह से है हमारा काम है, ये तो पहले निकले गया 5 मंथ का निकल गया। अभी क्वेश्चन को जाके देखते हैं क्या होता है इसमें, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, द अमाउंट वाज पेड 30 जून, यहाँ में मई को तो हम प्री इंक्रेशन 1 निकाल दिया, तो 1 जून यहाँ में रहेगा सिर्फ 1 जून का, ठीक है। यहाँ में तो अक्वायर गया ना, पहले हमें 1 जून से 1 जनवरी से जनवरी फर्स्ट से 30 मई तक, 31 मई तक 5 महीना निकल गया। यहाँ जो एक पेंडिंग हो गया 1 जून का, इसी का हम 1 लिखेंगे 1, इसी वजह से वहाँ में 5:1 आ गया, ठीक है। आई होप तुम समझ सकते हो, नहीं समझ सकते कमेंट करके हमको बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ में 5:1 आ गया, इसी वजह से 9,000 है, 9,000 का 5:1 निकाल दो, 9,000 × 5/6 हो गया 7,500 प्री, पोस्ट हो गया 1,500, समझ गए आप, थैंक यू। चलो अभी देखते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पोस्ट इंक्रबेशन एक्सपेंसेस का, डिबेंचर इंटरेस्ट, मैं थोड़ी थोड़ी मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको, आपको भी आसान होगा शायद, सॉरी बहुत छोट हो गया। डिबेंचर पोस्ट इंक्रबेशन डिबेंचर इंटरेस्ट कितना हुआ, 1500, 7%, 6/12 हो गया तुमको 5,250, उसको डायरेक्टर भी 600, ये दोनों मिला के हो गया 5,850। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 900 गिवेन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवेन है, बैलेंस शीट निकाल दो आप, ये हो गया 13,000, इसमें हम देखो ये हो गया 6,417, 6,001,500, 5,850, 900, 600, 900, 6, sorry, 600, क्या यार मैं गलत कर रहा हूँ, पहले उसमें 40,000 से आप निकाल के ये होगा तुम्हारा एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। ओके इसका भी आंसर देखो, इसका 20,000 से माइनस करो, 20,000 से माइनस 4583 माइनस 3000 माइनस 7500 माइनस हो गया कितना, 4,970 रुपया हो गया, 17 रुपया, 17 रुपया नहीं 17,
A17, ये दोनों निकल चुके हैं आप। अभी चलते हैं फेलो ट्रैवलर्स का एक्स्ट्रा फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, पहले मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपको यहाँ सिर्फ इसको लिख लो, समझ मेरे बात को, इसको आप लिख लो पहले। ठीक है, इक्विटी शेयर, लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखो, हमारा जो क्वेश्चन करते हैं चार्टर्ड बच्चे, जो नीचे में जो क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर देख लिया, अभी लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। बस ये है कि ये क्या है, एक सिस्टम है, पहले इसको याद रख लो, उसके बाद आराम से पुट करोगे, तुम एग्जाम भी लिख पाओगे और कुछ भी आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ भी तुमको अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, ये तो आप पहले बोल दिया था, अभी नीचे चलते हैं, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ में एक शेयर होल्डर फंड हो गया 20,000 × 10,000, हो गया देखो 20,000 × 10 हो गया 2 लाख रुपया, हमें गिवेन था। ठीक है, अब नीचे जाएंगे नोट्स अकाउंट, यहाँ में देखो 20,000 क्योंकि शेयर 10 इज फुल्ली पेड अप 2 लाख। रिजर्व सरप्लस क्या है, कॉस्ट पोस्ट पीरियड टू सरप्लस 4,917, यहाँ में निकाल चुके हैं। देखो यहाँ में देखो पोस्ट एंड होल निकाल चुके हैं। ठीक है, चलो नीचे चलो। ओके, यहाँ में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,330। मतलब मेरे जो हिंदी का जो वर्ड है ना, जो संख्या का जो वर्ड है, जो अल्फाबेट अल्फाबेट नहीं, जो वर्ड है 13 14, इसको हिंदी में जो बोलने से बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं इतना फ्लुएंट हिंदी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं सिर्फ इंग्लिश में दोहराता हूँ, आपको भी समझ आएगा, मुझे भी समझ आएगा, मतलब जो मैं लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। इसको 13,330, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, बट जो भी होगा एडजस्ट कर लोगे। ठीक, चलो, लेस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 5,000, ये निकाल दियो, 13,330 -5,000 हो गया 8,330 हो गया, 8,333 हो गया, ये थोड़ी ये है 33 है, मतलब 13,333 है, 30 नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कभी कभी गलत हो जाता है मेरे भाई, 33 है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, चलो, और चलो आगे, ये हो गया 3,8,333, टोटल हो गया 33,250। अब ये चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सिक्योर 7% डिवेंचर 1,50,000, 1,50,000 और देर प्रोविजन टैक्स है सब 6,000। अभी हमें पैट पुट करते हैं, 2 लाख, 33,250, 1,50,000, 6,000, 3 लाख, 89,250। ठीक है, अब आई होप तुम समझ सकते हो। अरे मुझे जितना भी है डिटेल में सारे में तुम एक बार कर लोगे तो कितना आसान होगा, तुम खुद जान पाओगे। ठीक, और मैं कुछ लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को लेना चाहता है मेरे को कमेंट करे, उसको मैं मेल पे भेज दूँगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।